आज हम बनाएंगे नींबू का चटपटा खट्टा मीठा सा अचार, जिसे आप कई सालों तक यूज कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि इसे हम बनाएंगे बिना तेल के। चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये 700 से 800 ग्राम नींबू लिए हैं। इन्हें अच्छे से मैंने धो लिया था। अब क्या करते हैं, इन नींबू को कपड़े या टिश्यू पेपर से अच्छे से साफ कर लेंगे, ताकि इनमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। ये नींबू जो हैं, ये हमारे एक फ्रेंड के घर से आए हैं। ये ऑर्गेनिक और पतले छिलके वाले नींबू हैं। तो आप भी कोशिश करें कि आप भी देखिए इस तरह पतले छिलके वाले नींबू ही यूज़ करें। नींबू देखिए साफ़ हो चुके हैं। अब इन्हें हम कट करेंगे। तो इन्हें पहले इस तरह हाफ में कट करें, फिर आप इन्हें अपने हिसाब से चार भाग या और भी छोटा करना है तो देखिए इस तरह आठ भाग में कट कर लीजिए। ये हाइब्रिड वाले नींबू हैं, तो इनमें देखिए ज़्यादा बीज नहीं है। अगर बीज निकले तो आप उन्हें हटा दें। और नींबू के बीच में देखिए ये वाइट वाला जो पार्ट होता है, इसे भी आप हटा दें, क्योंकि ये कड़वा होता है। तो ये मैंने देखिए सारे नींबू को कट कर लिया है। इन्हें बड़े मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लें। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखें कि आप इन नींबूओं को जिस भी बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे वो एकदम साफ और ड्राई होना चाहिए, नहीं तो नींबू का अचार जो है वो खराब हो सकता है। अब इसमें डाल दीजिए काला नमक, सेंधा नमक और ये नॉर्मल नमक। अच्छे से इनको मिला लीजिए। अब इन्हें हम यहाँ पर 2 से 3 दिन की धूप दिखाएंगे। लेकिन ध्यान रखना कि दिन में एक बार आपको रोज़ नींबूओं को अच्छे से मिक्स करना है। तो चलिए अब नींबू के अचार के लिए मसाला बनाते हैं। पैन गर्म करें, इसमें डाल दीजिए जीरा, काली मिर्च के दाने, पीली सरसों, आप यहाँ पर काली वाली सरसों भी डाल सकते हैं। साथ में डाल दीजिए सौंफ और ये अजवाइन। इन्हें 1.5 से 2 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर भून लीजिए। मसाले देखिए भुन चुके हैं। गैस को बंद करके इन्हें ठंडा कर लीजिए और फिर इन्हें मिक्सर जार में डालकर दरदरा पीस ले। अब ये देखिए मैंने इन्हें कितना दरदरा रखा है। इन्हें बॉल में पलट ले। इसमें ऐड कर दीजिए हींग, सौंठ पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और ये लाल मिर्च पाउडर। मिक्स करें सभी मसालों को। तो ये हमारा देखिए अचार का मसाला रेडी हो गया है। हमने यहाँ पर नींबूओं को भी 3 दिन की धूप दिखा दी है। तो ये देखिए इन्होंने पानी छोड़ दिया है और ये काफ़ी गल भी चुके हैं। इसमें ऐड कर दीजिए चीनी। आप यहाँ पर चीनी की जगह गुड़ या शक्कर भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसे मिलाएं। आप डाल दीजिए इसमें मसाला और बढ़िया से इन्हें मिक्स कर लीजिए। अभी से देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। तो ये हमारा देखिए चटपटा खट्टा मीठा नींबू का अचार बनकर तैयार हो चुका है, वो भी बिना तेल के। इसे एयरटाइट कंटेनर में डालें, पर ध्यान रहे ये जो कंटेनर है ये भी एकदम से साफ और ड्राई होना चाहिए। आप चाहो तो आप कंटेनर को 1 दिन की या आधे दिन की धूप भी दिखा सकते हैं। ढक्कन लगाकर अच्छे से बंद कर दें। 5 से 6 दिन में ही ये अचार जो है वो खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये नींबू के अचार की सिंपल सी रेसिपी? अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कीप द फ्लेम ऑन।